हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सावन माह कब से शुरू हो रहा है, सावन सोमवार व्रत कब कब रखे जाएंगे और साथ ही जानेंगे सावन माह शुरू होने से पहले किन कार्यों को करना शुभ होता है, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, सावन का महीना देवों के देव महादेव को सबसे अधिक प्रिय है। इस साल 19 वर्षों बाद सावन का बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है। आमतौर पर सावन मास 30 दिनों का होता है, लेकिन इस बार अधिक मास पड़ने के कारण सावन का महीना पूरे 59 दिनों का होगा। दोस्तों, शिव भक्त इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार का व्रत रखकर महादेव को प्रसन्न करेंगे। दोस्तों, आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन को चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालेंगे। दोस्तों, सावन माह इन्हीं 4 महीनों में से एक है। इस माह में शिव पूजा से मनोकामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं सावन माह कब से शुरू हो रहा है, सावन सोमवार व्रत कब कब रखे जाएंगे और सावन माह शुरू होने से पहले किन कार्यों को करना शुभ होता है। सबसे पहले जान लेते हैं सावन माह कब से कब तक रहेगा। दोस्तों, इस बार सावन मास की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से होगी और 31 अगस्त 2023 को सावन मास समाप्त होगा। दोस्तों, इस बार सावन का महीना पूरे 59 दिनों का होगा। ऐसा खास संयोग 19 सालों बाद बन रहा है। आइए जान लेते हैं सावन सोमवार व्रत तिथियां 2023 के बारे में। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई, दूसरा सोमवार 17 जुलाई, तीसरा सोमवार 24 जुलाई, चौथा सोमवार 31 जुलाई, पांचवां सोमवार 7 अगस्त, छठा सोमवार 14 अगस्त, सातवां सोमवार 21 अगस्त और आठवां सोमवार 28 अगस्त को पड़ रहा है। अब जान लेते हैं सावन माह शुरू होने से पहले क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, सावन का पूरा महीना शिव भक्ति के लिए खास होता है। विशेषकर सावन में पड़ने वाले सोमवार व्रत इच्छा पूर्ति वाले माने जाते हैं। सावन माह में शिव कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यों को हमें पहले ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, सावन माह शुरू होने से पहले घर की साफ सफाई कर लें। सावन माह में सात्विकता का खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में घर में रखी सभी तामसिक चीजों को हटा लें। सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करने के हमें गंगा जल की आवश्यकता होती है, इसलिए गंगा जल की व्यवस्था पहले से ही कर लें। दोस्तों, सावन में शिव पूजा और शिव मंत्रों का जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला लाकर रख लें। सावन के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर या घर के ईशान कोण में गंगा जल मिला जल से भरा कलश अवश्य रखें। सावन के महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, समीपत्र, धतूरा आदि महादेव की सभी प्रिय चीजें भी एकत्रित कर लें। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।